देख रहे हैं स्पोटलाइट 24 आईना सच का। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से, जहां कश्मीर में ड्यूटी पर दुर्घटना के शिकार हुए सैनिक के अंतिम संस्कार पर जब जिले का कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा नेता नहीं पहुंचा तो शहीद सैनिक को देखने उमड़ी भीड़ व परिजनों में रोष फैला और परिजनों ने मुखाग्नि देने से मना कर दिया। जब जनता के भड़कने की खबर जिले के आला अधिकारियों को लगी तो आनंद फानंद में एडिशनल SP, SDM, CO, तहसीलदार सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों व परिजनों को समझा बुझाकर ढांढस बंधाया। तब परिजनों ने सैनिक की चिता को मुखाग्नि दी। आपको बता दें, सैनिक विपिन कुमार मंगलवार को कश्मीर में ड्यूटी टाइम पर सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। आज उनकी कोर प्रभारी प्रमोद कुमार पंडित सबको लेकर पैतृक गांव खेमईखेड़ा पहुंचे थे। सही सबको आने की सूचना पर भारी भीड़ अंतिम संस्कार पर उमड़ी। शहीद के पिता ने शहीद के स्मारक बनाने की बात कही है। शहीद की पत्नी दीक्षा अपने 10 माह के अबोध बच्ची के लिए सीने से लगाकर बस रोए ही जा रही है। परिजन उसे संभालने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। SDM, आप अपन आपका खेत चला जाए तो मालूम हो SDM का।